दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमकैप्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन बढ़ेड़ा जिला ऊना। आजादी के 75 वर्ष बाद भी जिला कांगड़ा के ज्वाली उपमंडल के घर जरोट के बाशिंदे आज भी सड़क से महरूम अपने आप को गुलामी की जिंदगी जी रहे महसूस कर रहे हैं, जिसके लिए आज यहां के स्थानीय लोग सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। यहां के लोगों का कहना है कि यहां के लोग अपनी बेशकीमती जमीन पोंग डैम में गंवा चुके हैं और वहीं रेलवे विभाग के कांगड़ा घाटी से जोगिंदर नगर तक बनी रेलवे लाइन में भी अपनी जमीन दे चुके हैं। इन्हें आज तक सरकार द्वारा व रेलवे विभाग द्वारा कोई भी सुविधा नहीं मिली है, जिसके लिए वे आज खून के आंसू रो रहे हैं तथा देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भी आज अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। स्थानीय निवासी रामेश्वर ठाकुर का कहना है कि उनके गांव घार जरूर के साथ रेलवे ओवरब्रिज, जो कि एक पैदल चलने लायक रेलवे विभाग द्वारा काफी समय से बनाया गया था, आज वो ओवरब्रिज बहुत ही पुराना होने की वजह से जर्जर हो चुका है। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने इनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया तो सितम्बर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखेंगे और आने वाले विधानसभा चुनावों में चुनावों का बहिष्कार करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से दूरभाष के माध्यम से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से इस बात को ध्यान में लाया गया है और इसको हल करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। आप 45 साल हो ये जदू तो हैं तो आए हैं तो लेकिन उन्हें तक क्या बदलिया कर जरूरते जो तो तुहां क्या जानते दिवस की अब सारे देश को बधाई देना चाहूंगी और आज दुख की बात है कि इतना टाइम होने के बाद भी आज जहां देश 75वां गणतंत्र दिवस अपना मना रहा, स्वतंत्रता दिवस मना रहा, सॉरी, और आज हम फिर वही एक ही समस्या को लेकर बार बार इकट्ठा हो रहे हैं और दुख की बात है कि कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे यहाँ के जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आने जाने के लिए एक छोटे से रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़े दुख की बात है। हमारे विधायक आते हैं तब सबसे पहले उनका ये मुद्दा होता है कि हम जब भी जीतेंगे तो हम इस चीज़ को ठीक करेंगे, सबको सुविधा देंगे, पर कोई भी सुविधा अब तक हमें नहीं मिली है और आज तीसरी बार हो गया आज कि हम फिर इसी विषय को लेकर यहाँ खड़े हैं और दुखी हैं। आज यहाँ सारा देश अपने आज़ादी के दिवस को इकट्ठा होकर मना रहे हैं और हम आज फिर उसी बात को लेकर यहाँ पे दुखी होकर खड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो और हमारे लिए एक अच्छा रास्ता मिले हमें। यहाँ पर इसलिए भूख हड़ताल रखी है कि हमें इस पुल के निर्माण की अधिक आशा थी, मगर 2-3 साल हो गए हैं जहाँ में कोई भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं, हमारा सारी मार्केट जहाँ पर बनी हुई है, स्कूल भी जहाँ पर है, हॉस्पिटल भी जहाँ पर है और मार्केट भी जहाँ पर है, बैंक भी हमारा जहाँ पर है, हमारा हमें आने की सुविधा कोई नहीं है। रेलवे लाइन के ऊपर से हमको सड़क या रास्ता बनाया जाए, पुल निर्माण किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों की सुविधा भी हो सके और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी खुशी से जीवन अपना व्यतीत कर सके। आज यहाँ पर इतनी जनता इकट्ठी हुई है, देखिए आज घाट रोड निवासी रेलवे पुल के निर्माण के उपलक्ष में जो फाइल हमने सीएम साहब को कोटला में दी थी उसका अभी तक हमें कोई भी उत्तर नहीं मिला और आज 15 अगस्त के दिन हमने सांकेतिक भूख हड़ताल रखी है ताकि ये हमारी 5 पंचायतों की जनता जो है तकरीबन 12,000 की आबादी रेलवे लाइन और पोंग डैम के मध्य पिस रही है, हमारे को कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, ना हमारे बच्चे स्कूल ठीक तरह से जा सकते हैं, हमारे मरीज बीमार बहनें
वृद्ध इनको सड़क तक लाने के लिए हमें खाट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारी ये मूलभूत सुविधा है कि हमें पुल दिया जाए, रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए, ताकि ये 12,000 की आबादी जो है ये इसका कष्ट जो है वो दूर हो सकें, क्योंकि हमने अपनी बहुत कीमती ज़मीनें जो हैं वो पौंग डैम के निर्माण के लिए और बाकी शेष बची रेलवे लाइन ने एक्वायर कर ली, और हमारे लिए सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको रेलवे लाइन 2-2 किलोमीटर जाके पैदल चल के रेलवे लाइन क्रॉस करके आना पड़ता है, और हमारी ये सुविधा जो है हम सरकार से फिर निवेदन करते हैं। आज हमने सांकेतिक भूख हड़ताल की है, आने वाले समय में हम सितंबर महीने से इसको अनिश्चित काल के लिए परिवर्तित करेंगे, और ताकि हमारा जो है मेन मुद्दा जो है पुल का जो है वो पूरा हो सके। अगस्त पर आप यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या कारण? सर, हमारा देश तो 75 वर्ष हो गए आज आज़ाद हुए, परंतु हम आज़ाद तो क्या है, वैसे के वैसे ही हैं। हमें ना तो कोई रोड की सुविधा है, जब भी बरसात का मौसम आता है कोई बीमार हो जाए या स्कूल के बच्चों के लिए बहुत परेशानी होती है। ऊपर रेलवे लाइन है, नीचे पौंग डैम है, और जो मूल रास्ता जो है रोड से जो लिंक जो है बरसात के मौसम में नहीं हो सकता हमारे लोगों का, और 12,000 की जो आबादी है आज भी वैसे की वैसे ही गुलामी है। ये बच्चों के लिए वृद्ध बीमार जो भी है, अगर किसी की डिलीवरी हो तो वो घर पे मतलब मर जाएगा, रोड पे तो जा नहीं सकता, बरसात के मौसम में खड्ड में पानी होता है, गार्ड रोड गिरन खड्ड से लेकर आपको ढीला तक जो है कोई भी जहाँ पर रोड क्रॉसिंग नहीं है। अपने थ्रू पहुँचाए सीएम तक पहुँचाई है, सीएम को पीछे में आपका कोई हल हुआ या उन्होंने कोई बात? हल तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, आश्वासन ही देते हैं, हल तो होता नहीं है। तो अगर इसका कोई हल नहीं निकलेगा तो आज तो सांकेतिक भूख हड़ताल है, अगर हमें कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आने वाले समय में जो लंबी भूख हड़ताल भी हो सकती है, और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव में उनमें हम बहिष्कार करेंगे घाट रोड की, और बढ़ेल तक की जो जनता है चुनावों का बहिष्कार करेंगे। प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है अभी रास्ते के निर्माण का? ये प्रोसेस तो बड़े सालों से चला हुआ है, आज सीएम से लेके अपने सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी से भी हम हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो चला हुआ है। अभी हमें शिमला से भी कॉल आई है कि चीफ सेक्रेटरी से मिला जाए, लेकिन अब इतने 75 साल से हम यही देख रहे हैं, हमारी तो ये चली गई, और हम अपनी कीमती ज़मीन ने पौंग डैम और रेलवे को देके हमारे लिए ये अभिशाप बन गई है कि आज हमें आज तक भी ये सुविधा नहीं मिली है। तो हम ये मांग करते हैं कि ये हमारी हमारी पीढ़ी आने वाली जनरेशन के लिए ये ओवरब्रिज जो है वो हमें दिया जाए। तो आपकी सरकार से आज जो सांकेतिक भूख हड़ताल रखी है, तो आप ये जो सांकेतिक भूख हड़ताल है ये कब तक चलेगी? ये हम ये सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर ये हमारा ये मसला भी हल नहीं हो तो सितंबर से हम इसको ये इसको आगे बढ़ाएंगे, और हम ये धरना जो है ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से संजीव राणा और नगरोटा सूर्या से राम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट। हिमकैप्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन बढ़ेड़ा जिला ऊना में वकालत व नर्सिंग कोर्सों में दाखिला प्रक्रिया शुरू। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। हिमकैप्स संस्थान में बीए, एलएलबी और एलएलबी के कोर्स करवाए जा रहे हैं। संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। हिमकैप्स संस्थान में नर्सिंग कोर्सों के लिए भी दाखिले शुरू हैं। नर्सिंग संस्थान इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली व प्रदेश विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। नर्सिंग कोर्स में छात्राओं के लिए बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम और पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स करवाए जा रहे हैं। दाखिले के लिए संपर्क करें हिमकैप्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन बढ़ेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0197528226 या 9817938904 पर, या जाए हिमकैप्स की वेबसाइट www.himcaps.org पर।